प्यारे भाइयों बहनों, आपको प्यार भरा नमस्कार। आप जानते ही होंगे कि हमारा लोकतंत्र का उत्सव आने वाला है और हम आज उसी थीम पर आधारित नाटक लेकर आए हैं, मतदान का महत्व। तो नाटक देखने के पहले हम लोग चलते हैं गीत और संगीत का आनंद। चलो भाई चलो समय वोट देने, वोट देने भाई वोट देने, चलो भाई चलो समय वोट देने, वोट देने भाई वोट देने, अपने अधिकार का सदुपयोग करेंगे, अपने अधिकार का सदुपयोग करेंगे।
थोड़ा सा खाने खा लो भाई। इस बार भगवान बहुत खुश हथिन, समय समय पर पानी देते हथिन, फसल भी लगल की बार बढ़िया होते। अगर इस बार फसल बढ़िया होती ना तो इस बार अपन बेटिया के शादी कर दे एकदम पक्का लगे। अरे आ एगो बतवा तो भूलिए गए, कल जब छोटका बेटवा के परीक्षा फीस देवे ला है। अच्छा 10 कठवा में है ना धनवा रूप, ले कोना काट के जाके बेच के दे देवी पैसा, दे दी फीस हो जते सब हो जते। अरे हमारा दिमाग खराब ना कर, जो जाके भैया के कहिए जो तो मान ले जो दिमाग चल कहां दिमाग खराब करके सब भर ले हमारा। बना दिया गुजरा बोल क्या बात है। और तू बिहान से तू घर कर दे मुंह बड़वा देना ना कहे मुंह वोट देवे। अरे सौ में से एक वोट मिना देती तो क्या होती बताइए क्या होता है। तो वोट देवे का अधिकार हो तो पहले वोट देवे जाए, सब काम छोड़ कर सरकार हमरा लगा कर लिए कि हम वोट देवे जाए का कर ली है। अरे अच्छा नेता खुद हम तना कर दब सब का अपन अपन ने ने फटवा के कर देबो, पर बढ़िया नेता छु ना तना अपन बिहार आगे बढ़ते देश के नाम होता है। अच्छा सुन एक बात, मान ले कि हम वोट देवे जाए तू ही बोल, एक तो इतना कोरोना की मुसीबत आई है जैविक वोट देवे कैसे हम जान के हम खतरा है कि ना मर जाब तो। अरे कोरोना अपन जगह पर वोट अपन जगह पर है, तू घर से निकलवा हम मुंह में मास्क लगा के हाथ में ग्लव्स लगा लेवा, वहां पर जब सब दूरी दूरी पर खड़ा है पुलिस ही सब देखी थे। और सही बोलते हैं ना, सही बोले तो अपने चाहिए ना पहले हम मशीन में जाइए जो मशीन में बटवा देवे ला है ना, हम अब जगह देवे के मन में टिक दिया अपने वोट के इधर छुआ छुए के नुकसान ना उठाओ। अच्छा सुन एक बात आओ भाई, एक बात मान ले कि हम वोट दे दे वो अपन जगह में खड़ा थी ना उनके दे दे अपन जा जाने कर तू पेरेंट्स कितने मुश्किल से पढ़ाते हैं लिखाते हैं, और हम लोग अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो कैसे चलेगा काम। कैसे हो? बीच में मेरा क्लास खत्म हुआ हम आ गए बीच में। अरे संस्कृत पढ़ गया क्या, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है मेरा तो दीदी तो पढ़ता पढ़ता दिमाग काम नहीं हो गया। तुम्हारा कौन सा था? मेरा
किताबों नहीं पता है कौन सा है जनाब, चलते हैं पढ़ने। अरे खेल कूद के भी तो स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं ना। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई अच्छे तरीके से करना, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे नौकरी चाहिए। नौकरी चाकरी को छोड़िए, अभी जितना पढ़ा लिखा हुआ आदमी है सब तो भी घर में ना बैठा हुआ है, कंगाल ना है, किसी का जॉब लग रहा है। बात तो सही बोल रहे हैं, बेरोजगारी की संख्या बहुत बढ़ते जा रही है। अच्छा तो बताइए बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? आप ही बताइए। अभी सही बात बोले हैं, बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन आबादी इतनी बढ़ती जा रही है, ज्यादा ही सी बात है, इतनी छोटी खेत है, अगर इसमें 100 लोगों को रहना है और इसमें से 1000 लोग इसी खेत में रहेंगे, इसी घर में रहेंगे, तो कैसे चलेगा काम? एकदम सही। से पहली बात कि पॉपुलेशन पे कंट्रोल करनी होगी हम लोगों को। एकदम पढ़ने में तेज हो। अच्छा हम पूछ रहे हो, बताओ ना क्या पूछ। छोड़ो एक बात बताओ। कौन सा बात? बताओ कि अच्छा तुमने कुछ सोचा है? क्या सोचेंगे? ए भाई हाँ, तुम लोगों को कुछ पता होता है? कब पता रहेगा? इसका बर्थडे आने वाला है। बर्थडे आने वाला है मेरा? पार्टी मिलेगा, पार्टी पार्टी तुम लोग दोगे? अरे पार्टी छोड़ो, पार्टी रंग से इसका बर्थडे तो यही पार्टी देगा। अरे हम लोग कुछ बताओ ना पहले, पूछे क्या हो? पता कुछ नहीं है? क्या पता चलेगा? विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अच्छा हाँ सही बोले भाई, सब बात हम लोग को पता नहीं रहेगा। हम लोग शिक्षित आदमी है जी, वेल एजुकेटेड आदमी है, हम लोग को नहीं पता रहेगा तो किसको पता रहेगा? आपको, आपको भी पता है लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं इसकी ओर। यही तो कोई नहीं ध्यान देता, जानता ही नहीं है कोई क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा तुम लोग कुछ सोचा है? क्या सोचेंगे बोलोगे तो सोच लेंगे, वैसे सोचे भी थे। अच्छा ये बताओ किसको देना है इस बार? अरे इसमें इतना सोचना क्या है, जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे गांव घर के लिए, हमारे मोहल्ले के लिए काम करे उसी को सरकार चुनेगी। अरे एक मिनट, इतना भी काम करता भी है खाली वोट दिलवा। सही बोले, वोट मांगने टाइम यार नेताजी आपने बोलते भाई मुझे वोट दीजिएगा, मुझे वोट दीजिएगा, मैं ये बना दूंगा वो बना दूंगा, और बनता क्या है जितने के बाद बनता नहीं बस। अरे स्टाइल देखो भाई, स्टाइल आता है गाड़ी में, नमस्कार हमको जरा वोट दीजिएगा, हम आपके लिए वो कर देंगे, पुल बनवा देंगे, पानी का व्यवस्था कर देंगे, क्या क्या नहीं कर देंगे, लेकिन जब वोट दे दो कुछ नहीं ठहरेगा। यही तक नहीं, हम आओ बताते हैं, कोई कोई क्या करता है ना, घरे घरे जाके पैसा कुछ दे देता है। दारू दे देता है कोई कोई, है वोट लागी है। अरे दारू तो बंद हो गया जी? तेरी बंद नहीं हुआ है, बंद हो गया है लेकिन तैयो मिल रहा है। अच्छा छोड़ो ये सब, हम लोग तो समझ गए कि सरकार कैसी होनी चाहिए, आप लोग भी समझे? अरे बिल्कुल समझे होंगे। हाँ नहीं समझे, और नहीं समझे देंगे, समझा देंगे, सही बात बोले। हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर जगह जाकर के हम लोगों को इतना जागरूक करेंगे कि ताकि वो अपना महत्व, एक एक बहुमूल्य वोट का महत्व समझे और उन्हीं को वोट दे जो उनके हकदार हैं। हाँ एकदम सही बोला है, बहुत खूब, ताली बजनी चाहिए एक बार। तो भैया हम लोग तो समझ गए अपनी जिम्मेवारी, पर आप लोगों को भी समझनी होगी कि एक एक बहुमूल्य वोट का मतलब क्या होता है, इससे जिम्मेवारी से भागे नहीं। तो आइए इसी के साथ एक शपथ लेते हैं। बिल्कुल, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं हम लोग, पर ऐसी आप लोगों को भी करना है। पहले शपथ लो ना। सही बात, लोकतंत्र की मर्यादा को करेंगे हम सम्मान, 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 एक एक बहुमूल्य वोट देकर एक एक बहुमूल्य वोट देकर करेंगे सरकार का निर्माण।